पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तब्दीलियां, यानी पहला टेस्ट मैच बहुत इजीली पाकिस्तानी टीम ने जीता। अब दूसरे टेस्ट मैच में तजर्बात की जाएंगे, चेंजेस की जाएंगी, यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 7 मई को खेला जाएगा। प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करूँगा और तब्दीलियाँ भी, यानी छोटी सी वीडियो, आपने वीडियो आखिर तक ज़रूर देखी है। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ओपनर इमरान भट्ट, नंबर 2 ओपनर आबिद अली, ये दोनों ओपन करेंगे। 1 डाउन पे एक्सपीरियंस मैन अजहर अली। मिडल ऑर्डर के अंदर आपको कैप्टन बाबर आजम नज़र आएंगे, पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे, और फवाद आलम जो सेंचुरियन 140 रन किए थे इन्होंने। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान आपको नज़र आएंगे, और बॉलिंग के अंदर आप इनको बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, हसन अली, और एक दफ़ा फिर नुमान अली नज़र आएंगे आपको टीम के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, और लास्ट पे 2 चेंज जो की जाएंगी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेग स्पिनर जाहिद महमूद और शाहनवाज धानी, यानी ये दोनों यंग खिलाड़ी हैं, दोनों फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, और अब इनको चांसेस मिलेंगे तो टेस्ट मैचेस के अंदर परफॉर्म कर जाएंगे, फ्यूचर में आपको स्क्वाड के अंदर नज़र आएंगे, वरना अगर चांस ना दिया गया तो ये भी गायब हो जाएंगे और सिर्फ डोमेस्टिक ही खेलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।